Hi kids. Hi sir. Bangles का मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ. चूड़ियाँ. अब देखो, मीना के पास 18 चूड़ियाँ हैं, ठीक है? ये पड़ी भी सारी चूड़ियाँ. सेकंड पुट देम इन ग्रुप्स ऑफ 2, 3, 6, 9 and 18. अब वो बोल रहे हैं, अगर वो माने इनके ग्रुप्स बनाना चाहती है, मतलब उनके समूह बनाना चाहती है, तो कितने कितने के ग्रुप्स बना सकती है? दो के ग्रुप्स अगर वो बनाएगी तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 9. वेरी गुड. 3 के? 6. और 6 के? 3. 9 के? 9. 18 के? 1. वेरी गुड. विदाउट एनी बैंगल बींग लेफ्ट, ठीक है? ये ग्रुप्स तब बनेंगे जब हम उसमें से कोई भी चूड़ी छूटेगी नहीं. हाउ मेनी ग्रुप्स विल सी हैव इफ सी मेक्स ग्रुप्स ऑफ वन बैंगल ईच, ठीक है? तो ये तो हमको पता चल गया कि अगर वो एक वन बैंगल ईच, अगर मतलब वो हर चूड़ी एक चूड़ी लेती है तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? कितने ग्रुप्स बनेंगे फिर? 18 चूड़ियाँ हैं, उसके पास एक एक चूड़ी का ग्रुप बनाना है. 18. सिंपल है. 18. Now complete the table for different numbers of bangles for each number. See what different groups can be made. ठीक है? अब आपको ये बनने हैं. अब जैसे देखो, 18 के तो ये बने ना, 1, 2, 3, 6, 9, 18. 24 के क्या बनेंगे आप बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. वेरी गुड. 12, 24. 5 के लिए? 5, 1. 5. 2 कहाँ बनेगा? 2 में तो 2 दोनों 4 हो जाएगा, एक छूट जाएगी, छूटनी नहीं चाहिए ना. 9. 1, 3, 9. 7 के लिए? 1, 7. 1, 2, 5, 10, 13 के लिए? 21, 13. बस. 21 के लिए? 1, 3, 7, 6. 6 के टेबल में 21 आता है? 20. 7 के बाद 21, क्योंकि उसके बाद कहीं नहीं आता है टेबल में, ठीक है? तो ये चेक करने की किस किस के टेबल में आते हैं. अगर आपको ये पता है कि किस किस के टेबल में आते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा. क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो वही के वाला क्वेश्चन है, फिल इन द चार्ट. ये ठीक है, ये तो आप फिल कर सकते हो. टेबल लिखनी है इसमें, ठीक है? टेबल लिखने का मतलब है कि मतलब यहाँ पर देखो, ये क्रॉस का साइन लगा रखा है इन्होंने. yes, इसका मतलब 1, 1 जा 1, 1, 2 जा 2, 1, 3 जा 3, 1, 4 जा 4, 4, 2 जा 6, 4, 2 जा 8. ठीक है, यहाँ पर जैसे इन्होंने भर रखा 12 वाले सारे भर रखे इन्होंने. अब देखो यहाँ पर 5, 7 जा 35 भरो. 8, 9 जा 72 जो उन्होंने भरा हुआ है. 10, 6 जा 66, 12, 12 जा 12, 1, 44, ठीक है? फिल कर दोगे इसको पूरा? Yes, बस.